तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी ट्यूमर की। प्राइमरी ट्यूमर जो होता है एक्चुअली में ये गुच्छा होता है पूरे ट्यूमर्स का जो कि कम्प्लीटली प्रोग्रेस कर चुका रहता है, और ये फाइनली कहा जाए इसको कि ये कैंसरस मास होते हैं प्राइमरी ट्यूमर। ठीक है, ये प्राइमरी ट्यूमर का यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे मैंने बताया है, द प्राइमरी ट्यूमर इज द ट्यूमर ग्रोइंग एट द एनाटॉमिकल साइट वेयर द ट्यूमर स्टार्ट्स टू प्रोग्रेस एंड फाइनली यील्ड्स अ कैंसरस मास। दूसरा पॉइंट कहता है द ट्यूमर कैन नॉट ग्रो मोर देन 1 or 2 mm इन डायमीटर अंटिल द डेवलप अ ब्लड सप्लाई सिस्टम फॉर इट्स ओन। मतलब एक ट्यूमर जो होता है वो 1 से 2 mm से 1 या 2 mm से ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है, डायमीटर में वो 1 या 2 mm से ज़्यादा ट्यूमर बड़ा नहीं हो पाता है तब तक जब तक कि उसके पास खुद का एक ब्लड सप्लाई सिस्टम ना पैदा हो जाए, या उसके पास एक खुद का ब्लड सप्लाई सिस्टम ना आ जाए तब तक वो 1 या 2 mm से ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। थर्ड में है, सो कम्स द थर्ड स्टेप नेम्ड एज वैस्क्यूलराइजेशन। तो एक बार ये अभी को मैंने आपसे बताया कि ब्लड सिस्टम नहीं रहता है उनके पास में, ब्लड सप्लाई सिस्टम नहीं रहता, इस वजह से वो बड़े नहीं हो पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वैस्क्यूलराइजेशन के प्रोसेस में वो अपने लिए एक ब्लड सप्लाई सिस्टम तैयार करते हैं। कौन? प्राइमरी ट्यूमर। तो सबसे पहले आपको मैंने जो डायग्राम दिखाया था उसमें आपको दिखाया था मैंने म्यूटेशन, म्यूटेशन के बाद में प्राइमरी ट्यूमर, प्राइमरी ट्यूमर के बाद में वैस्क्यूलराइजेशन। तो वैस्क्यूलराइजेशन का एक प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे मैं बात करूँगा उसके बारे में। वैस्क्यूलराइजेशन को एंजियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो अगर एंजियोजेनेसिस या वैस्क्यूलराइजेशन दोनों एक ही चीज़ आप समझ के चलिए। पहला है, एट दिस स्टेज द ट्यूमर डेवलप ब्लड वेसल फॉर इट। इस स्टेज पे होता क्या है वैस्क्यूलराइजेशन में, वैस्क्यूलराइजेशन स्टेज पे क्या होता है, जो ट्यूमर था वो अपने लिए एक ब्लड वेसल तैयार करता है। जनरली द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड वेसल इज मीडिएटेड बाय द एंजियोजेनिक साइटोकाइंस। मतलब जो ब्लड वेसल वो बनाता है, जो ट्यूमर अपने लिए जो ब्लड वेसल बनाता है वो एंजियोजेनिक साइटोकाइंस का मदद लेता है और उसी के द्वारा कहीं जाके वो अपना ब्लड वेसल तैयार कर पाता है। दूसरा पॉइंट कहता है द एंजियोजेनिक साइटोकाइंस आर दोज बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस दैट आर सीक्रेटेड बाय द ट्यूमर सेल्स। ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ये एक बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं जिसको कहा जाता है एंजियोजेनिक साइटोकाइंस एज वेल एज बाय द इन्फ्लामेटरी सेल्स सच एज मैक्रोफेज। और साथ ही साथ ये जो एंजियोजेनिक साइटोकाइंस हैं ये इन्फ्लामेटरी सेल्स सच एज मैक्रोफेज के द्वारा भी सिक्रीट किए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एंजियोजेनिक साइटोकाइंस कहाँ से आते हैं तो आप सिंपल बता सकते हैं कि जो ट्यूमर सेल होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एंजियोजेनिक साइटोकाइंस को, साथ ही साथ जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं वो भी एंजियोजेनिक साइटोकाइंस को सिक्रीट करते हैं। द फंक्शन ऑफ द एंजियोजेनिक साइटोकाइन इज टू प्रमोट द वेसल ग्रोथ। और इनका एक ही काम होता है कि ये ट्यूमर के लिए ब्लड वेसल का ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, तो अब हमारा वैस्क्यूलराइजेशन खत्म, या जो इसको कहा गया था एंजियोजेनेसिस। उसके बाद आता है डिटैचमेंट। जनरली ऑल द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर इन टिश्यू बाय एडहेशन मॉलिक्यूल। मतलब सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं या पकड़ में या जकड़ में रहते हैं, तो वो होता है सबका सब एक एडहेसिव मॉलिक्यूल या एडहेशन मॉलिक्यूल के वजह से, जिसको कहा गया कैडेरिंस। ठीक है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। और ये सारे के सारे सेल आपस में चिपके रहें ये एक्चुअली में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के द्वारा इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होता है। दूसरा पॉइंट कहता है द प्रोसेस ऑफ सेल डिटैचमेंट अकर। आखिर ये सेल डिटैचमेंट होता कब है ये बताया जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिटैचमेंट अकर व्हेन द कैंसर सेल लूज इट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस द एडहेशन मॉलिक्यूल। मतलब ये जो कैंसर सेल होते हैं जब ये एडहेशन मॉलिक्यूल्स को नहीं पहचान पाते हैं या एबिलिटी अपनी खो देते हैं इनको पहचानने की, ठीक है ये समझिए, पहचानने की एबिलिटी खो देते हैं तो वो कैंसर सेल इससे चिपकने की कोशिश ही नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट द डिटैचमेंट ऑफ द सेल टेक्स प्लेस। और इसी वजह से वो कैंसर सेल्स का डिटैचमेंट होने लगता है। तो अब मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि आपने पढ़ा है सबसे पहले म्यूटेशन, म्यूटेशन के बाद क्या होता है प्राइमरी ट्यूमर बनता है। प्राइमरी ट्यूमर जो होता है वो अपने लिए ब्लड वेसल बनाता है वैस्क्यूलराइजेशन में, और उसके बाद क्या होता है डिटैचमेंट होता है उसका क्योंकि वो एडहेशन मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको पहचान नहीं पाता या एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। फिर आता है इन्वेशन। इन्वेशन में होता क्या है कि एक्चुअली जो मास बना रहता है कैंसर सेल का उसमें से एक सेल जो है उसको छोड़ देता है और उसके बाद वो ब्लड वेसल या लिम्फेटिक वेसल में एंट्री करता है। उसको एंट्री करने से पहले कुछ नेचुरल बैरियर्स जो होते हैं उनके अंदर दरार डालना पड़ता है और उसके बाद ही कहीं वो ब्लड वेसल या लिम्फेटिक वेसल तक पहुँच पाता है।
तो वही बताया गया पहले पॉइंट में, आफ्टर डिटैचमेंट द कैंसर सेल हैव टू ब्रिज द नेचुरल बैरियर्स बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्लड और द लिम्फेटिक वेसल। सेकेंड पॉइंट जो है, द वाइट ब्लड वेसल प्रमोट द इन्वेशन बाय रिलीजिंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं इन्वेशन, ये जो नेचुरल बैरियर को जो हमारा ये कैंसर सेल तोड़ रहा है या दरार डाल रहा है जिसमें, इसको बढ़ावा देता है वाइट ब्लड वेसल या वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इस ये करते क्या है एक्चुअली वाइट ब्लड सेल्स की, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को पैदा करते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम का मतलब होता है ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता हो। ठीक है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम को पैदा करता है जिसका नाम है मैट्रिक्स मेटालो प्रोटीनेस दैट ब्रेक डाउन द टिश्यू बैरियर, जो कि नेचुरल बैरियर को तोड़ देता है। तो हम क्या पढ़ें कि वाइट ब्लड वेसल्स होते हैं ये रिलीज करते हैं एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम को जिसका नाम होता है मैट्रिक्स मेटालो प्रोटीनेस। ये क्या करता है कि जो टिश्यू बैरियर होते हैं उनको तोड़ देता है जिसकी वजह से कैंसर सेल अंदर घुस जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो कुछ ऐसा कहना चाहता है आपसे कि शरीर में देखिए कैंसर के लिए दो जगह होता है, एक होता है प्राइमरी साइट और दूसरा होता है सेकेंडरी साइट। ठीक है, प्राइमरी साइट वो जगह होता है जहाँ पे कैंसर सेल पनपना स्टार्ट करता है। ठीक है, और सेकेंडरी साइट वो जगह होता है जहाँ पे वो सबसे उग्र रूप में होता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा उसका प्रोलिफरेशन हो जाता है और वो फोर्थ स्टेज जो कहा जाए फोर्थ स्टेज तक पहुंच जाता है। तो वही बता रहा है कि कैंसर सेल जो होता है प्राइमरी साइट जहाँ पे उसने पैदा हुआ, जहाँ पे वो पैदा होता है, उस जगह के टिश्यू को वो सबसे पहले इन्वेड करता है। ठीक है, इन्वेड करता है मतलब उसमें वो एंट्री करता है और उसके बाद मैकेनिकल लिम्फेटिक या हीमेटोजेनस स्प्रेड, हीमेटोजेनस स्प्रेड मतलब ब्लड के द्वारा वो कहीं जाके दूसरे साइड पे पहुंचता है, सेकेंडरी साइड पे पहुंचता है और वहीं पे जाके वो अपने आप को प्रोलिफरेट करता है। ये आपका बताया गया थर्ड पॉइंट में। कैंसर टिपिकली इनवेड्स द टिश्यूज एडजेसेंट टू द साइट ऑफ ऑरिजिन, साइट ऑफ ऑरिजिन इज कॉल्ड एज द प्राइमरी साइट एंड देन आफ्टर दैट दे मेटास्टाइज टू डिस्टेंट विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी साइट, डिस्टेंट द मीन्स सेकेंडरी साइट बाई मकैनिकल लिम्फेटिक और द हीमेटोजीनस स्प्रेड। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फाइनली द कैंसर सेल मूव्स इन टू द ब्लड और लिम्फ। अब अंतिम में होता क्या है, फाइनली जब एक बार वो इन्वेड कर जाता है ब्लड वेसल या लिम्फेटिक वेसल में, तो उसके बाद क्या होता है, फाइनली द कैंसर सेल मूव इनटू द ब्लड और लिम्फ एंड वंस व्हेन इट रीच इनटू द ब्लड और लिम्फ, एक बार जब वो ब्लड या लिम्फ में पहुंच जाता है एट दैट टाइम द मेटास्टेसिस इज इनएविटेबल। मतलब एक बार जब कैंसर सेल ब्लड में पहुंच गया या लिम्फ में पहुंच गया तो उस समय मेटास्टेसिस को कोई नहीं रोक सकता, मतलब मीन्स इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो अभी को आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि एक बार जब कैंसर सेल ब्लड या लिम्फ में एंटर हो जाता है तो मेटास्टेसिस को होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आखिर मेटास्टेसिस है क्या, तो आइए हम जानते हैं पहले पॉइंट में कि ये जो मेटास्टेसिस होता है ये एक तरह का मेडिकल टर्म है जो कि कैंसर को रिफ़र करता है। ठीक है, उस कैंसर को दैट स्प्रेड टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स प्राइमरी साइट, मतलब जिस जगह पे वो पैदा हुआ है उस जगह को छोड़ के वो अलग अलग जगहों पे हमारे बॉडी में जाने लगे, ऐसे कैंसर सेल को कहा जाता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्थ स्टेज कैंसर, ये चौथे स्टेज का कैंसर कहा जाता है। आपने सुना होगा कि कई बार डॉक्टर कहते हैं इनको फोर्थ स्टेज का कैंसर है, तो दैट मीन्स द डॉक्टर इज रिफरिंग टू द मेटास्टेसिस, वो मेटास्टेसिस की बात कर रहे हैं कि कैंसर सेल जो है वो अब इनके ब्लड में आ चुका है और ब्लड में जाने के बाद वो अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द कैंसर सेल कैन नॉट मेटास्टाइज अनलेस दे फर्स्ट सेपरेट फ्रॉम द सेल, मतलब जो अभी को मैंने बोला कि जो प्राइमरी सेल था या डिटैचमेंट जो होता है, अगर डिटैचमेंट अगर ना हो तो वो मेटास्टेसाइज हो ही नहीं सकता है। तो वही बताया, द कैंसर सेल कैन नॉट मेटास्टाइज अनलेस दे सेपरेट फ्रॉम द सेल एट द साइट ऑफ ऑरिजिन, जिस जगह पे वो पैदा हुए थे उस जगह से अगर सेल कैंसरस सेल सेपरेट नहीं होगा उससे या डिटैच नहीं होगा अपने मास से तो उसके तो मेटास्टेसाइज हो ही नहीं सकता। आफ्टर सेपरेशन दे इन्वेड द लिम्फेटिक और द ब्लड वेसल, एक बार जब उसका सेपरेशन होता है तब वो क्या करते हैं ब्लड वेसल या लिम्फेटिक वेसल्स को इन्वेड करते हैं एंड फाइनली अटैच देमसेल्फ टू द टिश्यू एट द सेकेंडरी साइट, और अंतिम में वो करते क्या है, सेकेंडरी साइट पे पहुंचने के बाद वहाँ पे जो भी टिश्यू होती हैं वहाँ पे जाके वो
चिपक जाते हैं या अपने आप को अटैच कर लेते हैं, कौन, कैंसर सेल, ठीक है। नोट, लंग आर कंसिडर्ड टू बी एज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस। लंग को माना गया है मेटास्टेसिस का प्राइमरी साइट। ऐसा इस वजह से होता है, क्यों, क्योंकि पूरे शरीर से जो खून होता है वो वापस हमारे लंग्स में ही जाता है ऑक्सीजन कैरी करने, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने, ठीक है। तो इस वजह से प्राइमरी साइट माना गया मेटास्टेसिस का लंग्स को, और दूसरा माना गया लीवर को।